हाय स्टूडेंट्स, आज यूट्यूब क्लास को मुझे टीके सार स्वागत जनावि। पे पूर्व क्लास रे आम एक्सरसाइज टू ए रही आम थीओरी विषय आलोचना करते आज आउ कि थीओरी रहीगला जोटा कि आम गोटे नन टर्मिनेटिंग बा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जोटा अच्छी अण पौनपुनिक दशमिक संख्या विषय कही आम जोटा कि परिमेय संख्या बोली कही केतगुड़िक अच्छी अण पौनपुनिक ना पौनपुनिक दशमिक संख्या जो गुड़ाक अच्छी तार परिमेय रूप केमती आम निर्णय करवा से विषय आम आलोचना करवा। आज आम कह 0.3 रेकरिंग परिमेय रूप केमती निर्णय करा जाए तार उपर आलोचना करवा। प्रथम 0.3 रेकरिंग परिमेय रूप को जीवा पूर्व आम कथा आग आलोचना करवा जे 0.3 रेकरिंग अर्थ कौन। 0.3 रेकरिंग अर्थ होची 0.3 रेकरिंग इज इक्वल टू 0.3333 लिखा हबो ताले ए भली असंख्य 3 रही होची जोटा कि आमे कहिबा आमे ये पौनपुनिक दशमिक संख्या कहिबा आउ से भली मनकर कहिबा 0.612 ए भले रेकरिंग थिला 12 उपरे तार अर्थ होची 0.612 12 12 एंड सो ऑन। तो यही जहाँ उपरे रेकरिंग चिन्ह थी से संख्याटी बारंबार आसव नेक्स्ट परवर्ती समय अनुसार परवर्ती पद गुड़िक सब से आसव असंख्य बा इनफिनिटी पर्यंत आम लिखा पड़ो अर्थात आपको लिखले कि गले माने आदम सर ना से मनकर कह आम 0.712 तो ऊपर गार दे दवा कह 0.712 712 712 एंड सो ऑन। तो यही भाव में लिखिपर प्रथम आगे बुझा ये रेकरिंग थी संख्या को केमती आम लिखा जीव से विषय आम आलोचना कले ताले ये होची तार रूप केमती आम लिखा से गुड़िकले बर्तन आम आसवा 0.3 परिमेय रूप निर्णय करवा आम कह मनेकर एक्स इक्वल टू 0.3 रेकरिंग देख पिला माने तुम्हें जान 0.3 रेकरिंग अर्थ होची एटा तुम्हें मुझे साइड बुझे 0.3 रेकरिंग। तो बर्तन आम देखा जस्ट बुझापी मुझे रखी तो बर्तन आम बुझा याकु आमे परिमेय रूप किपर निर्णय करवा आर परिमेय फर्म प्रकाश कले सेटा केते हबो परिमेय रूप प्रकाश कले एटा केते हबो ताले एठी आमे केते दुईटी प्रश्न पचारिबा निजकु प्रश्न पचारिबा एवं सेही प्रश्नर उत्तर आमे जहाँ पाइबा से अनुसार आमे एटाकु जदि सॉल्व करिया आमकु सहज हबो। सो से टेक्निकटा तुमको बते दोछु पिला माने तुम टिके धैर्यर सहित देख एवं जदि किछि डाउट होछि मते परवर्ती समय रे कमेंट बॉक्स रे लिखि जणैले मु से गुडीका आउथरे बुझि दे पारिबि किंतु मु हाबुछि मोर जेदर विश्वास ए थरकर तुम बुझि दे पारिबो टिके ध्यान दियो देख बर्तन केमिति लिखिबा। तो बर्तन आमर प्रथम प्रश्न प्रथम प्रश्न जो दुईट प्रश्न कथा कहती प्रथम प्रश्न दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्यार पूर्व पर्यंत केतोटी संख्या अछि आउ थरे कहि दउछि दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्यार पूर्व पर्यंत केतोटी संख्या अछि ताले देख एटी दशमिक परे ये हला दशमिक दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्या हला 3 उपर रेकरिंग अछि ता पूर्वरु केतोटी संख्या अछि ना आदम संख्या नाही अर्थात आमे कहिबा 0टी संख्या अछि आउ थरे कहि दउछि दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्यार पूर्व पर्यंत समुदाय केतोटी संख्या अछि माने आदम एठी संख्या नाही अर्थात 0टी संख्या अछि ताले 0टी संख्या अछि माने आमके एठी किछि गुणियाकु पड़िबो नाही सेमती आमे छाडि देबा। सो तापर आमे आसीबा दशमिक परे जोठी आम 0टी संख्या आसो सेठी आमे किछि करिवार नाही परवर्ती एग्जांपल नेबियतळे मु ता से कथार विषय रे आलोचना करिया आमे जानिबा परवर्ती कथा कहिबा दशमिक परे सेकंड प्रश्न दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्यार शेष पर्यंत
समुदाय केतोटी संख्या अच्छे ताले देख आउ थे कही दशमिक पर रेकरिंग थिबा संख्यार शेष पर्यंत समुदाय केतोटी संख्या अच्छे ताले देख बर्तमान पिलाने दशमिक पर तीन आसला जोटा कि रेकरिंग अच्छी ताले आर शेष पर्यंत माने एई पर्यंत आमे देखिबा ताले समुदाय केतोटी संख्या अच्छी ना गोटे संख्या अच्छे समुदाय केतोटी संख्या अच्छी गोटे संख्या अच्छी तेणु कौन करवा सेठी एक गोटे शून्य देकि गुणीदे तो यहाँ को टेन गुणीदे के ना 3.3 रेकरिंग देख पाने यू जदि आम टेन गुणवा टेन इंटु 0.3 रेकरिंग जदि गुणवा के 10 इंटु 0.3333 अच्छे एमती असंख्य पद ताले एटी कौन कर दशमिक गोटे घर डाण पल अर्थात 3.33 एमती असंख्य रहा तो असंख्य रहा अर्थ हूँ 3.3 रेकरिंग हम मन रख पाने टेन जदि गुणवा आम के पाइबा यू जस्ट मुझे लिखिदे जोटा कि तुम बुझापी सहज हे तो बर्तमान आम दस जो गुणीदे मुझे कही दशमिक पर रेकरिंग संख्यार शेष पर्यंत समुदाय केतोटी संख्या अच्छी ये आम कह गोटे संख्या अच्छी तेणु एक गोटे शून्य दबा अर्थात दस उभय पार्श्वर दस गुणीदे जदि एपटे दस गुणवा ये गला 10x एपटे दस गुणीदे गला 3.3 रेकरिंग केमी है यहाँ तुमको दर्शे ये देखीद पाने सो बर्तमान कौन करा दे इक्वेशन वन आईटा को देखें इक्वेशन टू बर्तमान टू रु वन को फेड़ीदे अतए 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.3 रेकरिंग माइनस 0.3 रेकरिंग पे देख आम कौ थ्रु क्या फेड़ा ना प्रथम प्रश्न जो पचारे तार उत्तर एवं द्वितीय प्रश्न जो पचारे तार उत्तर द्वितीय प्रश्न उत्तर जहाँ पाई माइनस प्रथम प्रश्न जो उत्तर पाई से दुईट इक्वेशन करदे इक्वेशन वन टू जदि कह इक्वेशन टू रु इक्वेशन वन को आम फेड़ मन रख पाने तो ये पाइले आम 10x बाम पार्श्वर पाइले 10x माइनस एक्स इक्वल टू डाण पार्श्वर पाइले 3.3 रेकरिंग माइनस 0.3 रेकरिंग सो दैट इम्प्लाइज 10x माइनस एक्स है 9x इक्वल टू 3.3 रेकरिंग रु 0.3 रेकरिंग गले रहीगला 3 देख पाने रेकरिंग एटी अच्छी रेकरिंग 0.3 रेकरिंग ये कटिगला रहीगला पूर्ण संख्या रहीगला 3 सो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 3 1 3 3 3 9 1/3 अतएव 0.3 रेकरिंग परिमेय रूप केते ना 1/3 तो मन रख पाने 0.3 रेकरिंग परिमेय रूप है 1/3 तो यही प्रोसेस आम एटा करिबा जदि यही प्रोसेसटा तुम जानिजो तुमको सहज लगे तुम से अनुसार तेरा को समाधान करपर ये आउ गोटे आम एग्जांपल नबा एग्जांपल टू नबा जीरो पॉइंट 712 ऊपर रेकरिंग 0.712 ऊपर रेकरिंग यू टे देख पाने ये क्वेश्चन टा भी बहुत समय परीक्षार पड़े ताले एठी भी सेमती करिवा मन कर देख पाने आम कह मनेकर एक्स इक्वल टू 0.712 उपर रेकरिंग देख पाने टे भल भाव मार्क कर क्या रेकरिंग चिन्ह अच्छी ना 1 2 उपर रेकरिंग चिन्ह अच्छी अच्छा ये आउ गोटे आम टे मार्क करदे अंक टे समाधान करने पूर्व आगे टे मार्क करदे दशमिक पर गोटे 7 अच्छी 1 अच्छी 2 अच्छी 7 उपर रेकरिंग चिन्ह ना पौनपुनिक चिन्ह ना 1 आउ 2 ऊपर पौनपुनिक चिन्ह अच्छी ये कथा टे ध्यान दिए पाने आम जो प्रश्न पचार से प्रश्नर उत्तर तुम्हें आराम पार तो बर्तमान आम बुझा आग ये 0.712
वन टू पर रेकरिंग तार अर्थ हो 0.7 वन टू वन टू वन टू एंड सो आर अर्थ है से बर्तमान देखिया आम ये प्रश्न करवा प्रथम प्रश्न दशमिक पर प्रथम प्रश्न हो दशमिक पर देख पे प्रथम प्रश्न आम जो रिपीट करें से क्वेश्चन पचार दशमिक पर रेकरिंग थिबा संख्यार पूर्व पर्यंत केतोटी संख्या अच्छी दशमिक पर रेकरिंग थिबा संख्या है बार ता बार पूर्व पर्यंत केतोटी संख्या अच्छी माने एटी अच्छी सात केवल अच्छी गोटे संख्या अच्छी आउ थरे कहि दोची दशमिक पर रेकरिंग थिबा संख्या है बार ता पूर्वर केतोटी संख्या अच्छी माने ये गोटे संख्या अच्छी मात्र देख ये पे मैंने सेभेन अच्छी गोटे संख्या अच्छी तेणु आम कौन करवा एक रे गोटे शून दे कि गुणदे टेन एक्स इक्वाल टू एटा जो दस गुणदे कौन हो पाने गोटे घर दशमिक डाण को पलैब तेणु आम पाइबा 7.12 रेकरिंग जमी ये आम कर तो आर अर्थ टेन इंटू 0.7122 पर रेकरिंग है 10 × 0.7127127122 तो यही लिखा है आपको आम कहीपर दस दस रे गुण दे 7.12 रहा 7.12 है जस्ट बुझापाई कहीदे पर यू आकचुअली करवा कथा नुहे नकल भी चलो कि बुझापी मुझे तुम्हें जाणीदि तो आपको आम दबा इक्वेशन ताले प्रथम प्रश्न रे आम जो उत्तर टी पाइले ताको आम इक्वेशन वन दे दबा परवर्ती प्रश्न दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्यार शेष पर्यंत दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्यार शेष पर्यंत दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्यार शेष पर्यंत त माने एई पर्यंत आम देखिबा ए पर्यंत समुदाय केतोटी संख्या अच्छी देख पिला माने ये हला एक ये हला दुई ये हला तीन ताल तीनोटी संख्या अच्छी तो मन रख पिला माने दशमिक परे रेकरिंग रा शेष पर्यंत समुदाय केतोटी संख्या अच्छी ताले तीनोटी संख्या अच्छी ताले एक रे तीनोटी शून्य दे कि गुण दबा एक रे तीनोटी शून्य देले हला हजार हजार को आम इक्वेशन जो दे एक्स इज इक्वल टू 0.712 ताको आम हजारे गुण दबा तो हजार एक्स इक्वल टू के दशमिकटा डाण पट को पलब तीन टा घर जेहेतु हजार अच्छी तो 7.12.12 रेकरिंग होगा समीकरण दुई आउ थे कहीदे पे जिते आम प्रथम जो एक्सटा धरी से आम गुणीदे के हजार गुणीदे तो ये हजार एक्स इक्वल टू हजार इंटू एत हे तो हजार मान तीन टा शून अच्छे एक रे तो तीन टा घर डाण जीव तो 712.12 रेकरिंग हे तो ये है इक्वेशन टू बर्तमान समीकरण दुई रु समीकरण एक को बाद दे देवा ताले अतएव हजार एक्स माइनस ये इक्वेशन वन पाई 7.12 रेकरिंग सॉरी 10x हजार एक्स माइनस 10x माइनस 10x बाम पार्श्व देख ये अच्छी हजार एक्स ये अच्छी 10x तेणु हजार एक्स माइनस 10x इक्वल टू ये है 7.12.12 रेकरिंग माइनस 7.12 रेकरिंग तो यू टे मार्क पे आम कमी कैलकुलेशन कर तो ये जिते देख 0.12.12 रेकरिंग उभयर अच्छी माइनस जेहेतु हूँ कटिजी सो दैट इम्प्लाइज है हजार एक्स माइनस 10x ये 990x इक्वल टू ये बार रेकरिंग अच्छी बार रेकरिंग कटिगला ताले 712 − 7 इजिकल होगा 705 तो मन रख पे रेकरिंग रेकरिंग तो कटिगला तेनाली 712 − 7 फेट दे 705 सो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 705 विभक्त 990 तो ये ताको आम कटाकटी करदे संक्षिप्त फर्म को नहीं जावा तो पाँच काटदे ये है 5×5 2×20 5×20 5×5 ये 5 काटदे ये 5×5 4 49 5 × 45
पाँच नौ पैंचाश चार चालीस पाँच अठा चालीस आ देख चार दुई छन कटो तीन कटो तीन काटले तीन चो बार तीन चो बार दुई एक तीन सता एक तो ये तीन काटिदेल तीन सौ अठर तीन सौ अठर सो ये सड़चाश फर्टी सेवेन बाय सिक्सटी सिक्स तो ये है तार परिमेय रूप अतएव अतएव लिखा जीरो पॉइंट सेवेन वन टू रेकरिंग परिमेय रूप फर्टी सेवेन बाय सिक्सटी सिक्स तो ये है जीरो पॉइंट सेवेन वन टू परिमेय रूप तो भल टे मार्क पे आम केमी समाधान करमें टी ठीक प्रोसेस जदि तुम बुझीपार जिनसटा तेल तुम्हें निजे निजक प्रश्न कर तार जो उत्तर पाइब से उत्तर रु आम समीकरण एक दुई दे कि तार आम समाधान करके बाहर कर दे पार ये जीरो पॉइंट सेवेन वन टू परिमेय रूप ये गोटे आउ गोटे आम एग्जांपल नहीं जावा सो जीरो पॉइंट आम सिक्स टू फाइव नहीं जावा सो सिक्स टू फाइव उपरे रेकरिंग चिन्ह देदे जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव एटा मन रु नहीं पे मैंने जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव ए सिक्स टू फाइव उपरे रेकरिंग चिन्ह अच्छे जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव रेकरिंग चिन्ह अच्छे टोटाल आम ताकू आम एक्स धरदे देख बोले मैंने कह आम एटे कौन अच्छे देख जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव अर्थ हो सिक्स टू फाइव रेकरिंग अच्छे तार अर्थ हो जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव ये असरंती पद पर्यंत रो यटा को आम एक्स धरदे बर्तमान कर प्रश्न करवा दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्यार पूर्व पर्यंत रेकरिंग अच्छी सिक्स टू फाइव उपरे अच्छी ता पूर्वर आदम कौन सी संख्या ना ताले दशमिक आमर जो प्रथम प्रश्न अच्छी दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्यार पूर्व पर्यंत केतोटी संख्या अच्छी ना ये आदम संख्या ना अर्थात जीरोटी संख्या अच्छी तेणु आमको किसी गुणिया को पड़े ना तेणु जोटा पाइन ताकि इक्वेशन वन देद ठीक अच्छे तो बर्तमान आसवा परवर्ती प्रश्न द्वितीय प्रश्न दशमिक परे रेकरिंग थिबा संख्यार शेष पर्यंत रेकरिंग थिबा संख्यार शेष पर्यंत समुदाय केतोटी संख्या अच्छी समुदाय केतोटी संख्या अच्छी ना ये समुदाय तीनोटी संख्या अच्छे आउ थे कौच पे दशमी पर रेकरिंग थिबा संख्यार शेष पर्यंत समुदाय केतोटी संख्या अच्छी समुदाय तीनोटी संख्या अच्छे तेणु एक रे तीनोटी संख्या दे शून्य दे एक रे तीनोटी शून्य दे गुणीबा तेणु तीनोटी घर दशमी डाहाण पट को पलि ताले हो सिक्स टू फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव रेकरिंग ताले देख आर अर्थ हो पॉइंट सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव एम लिखा हम जो हजार गुण दवा तीन टार दशमिक डाण पटु गले रही सिक्स टू फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव तेल जो आम रेकरिंग देदे सिक्स टू फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव रेकरिंग रही तो बर्तमान ये इक्वेशन टू बर्तमान इक्वेशन टू रु इक्वेशन वन को फेड़ देवा हजार एक्स अत हजार एक्स माइनस एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स पॉइंट यहाँ सिक्स टू फाइव पॉइंट सिक्स टू फाइव रेकरिंग माइनस जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव रेकरिंग तो बर्तमान फेड़दे तो हजार एक्स रु एक्स गले हजार एक्स रु एक्स गले रहा के हजार एक्स रु एक्स गले नौश अनेशत एक्स इक्वल टू ये दुटा फेड़ी गले सिक्स टू फाइव माइनस जीरो है सिक्स टू फाइव सो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू सिक्स टू फाइव बाय नाइन 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 देख पे मैंने आपको आम कटाकटी करदे संक्षिप्त फर्म नहीं जा ये छः पाँच एगार दुई तेर ये नौ 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 आउ कटिव कि नहीं देख पे पाँच सात सात सता सात अठा छप सात नुआ तेसठी सात अठा छपन छपन
चार छः पंसठ नाई कटिबन तो ये जदि कटिपर भल कथा जो न कटिपर आम सेम रखिद अतएव 0.625 रेकरिंग परिमेय रूप है 625/999 जदि देखिया पे कटाकटी कर संक्षिप्त फर्म को नहीं होगी करवा एगार टी देखद एगार हम एगार भी कटिबन ये भी तो कटिबन तो तीन ले भी कटिबन मैं नौ कटिबन एनिवे या रो तो ये है तार उत्तर तो आउ किसी एग्जांपल एथे नबा दरकार पड़ो कि देखद ना ये प्राय सब हो गला ये आउ गोटे एग्जांपल आमको देखी देख एग्जांपल फाइव यहाँ गोटे करदे बहुत इम्पोर्टेंट एटा परीक्षा बेले बेले पड़ी जाए ये एग्जांपल टू देन आसमें एग्जांपल थ्री को पूर्वटा जोटा कले आम एग्जांपल टू कले बर्तमान आसमें एग्जांपल थ्री को एग्जांपल थ्री कही सरल कर वन पॉइंट वन नाइन नाइन उपरे रेकरिंग होल स्क्वायर प्लस टू इंटू 1.19 इंटू 1.79 नाइन उपरे रेकरिंग प्लस 1.79 नाइन उपरे रेकरिंग रो स्क्वायर तो यही भली देछि आगे देख पिलाने एटा को आम सरल करवा तेणु ये कौन करवा आम को टिके तार परिमेय रूप बाहर करवा तापर आम ताको समाधान करिया जीवा तो ये करवा कौन बर्तमान आगे बाहर करा 1.19 रेकरिंग मान के 1.79 रेकरिंग मान के दुटा को आम प्रथम बाहर करा पड़ो आम करवा मनकर एक्स इक्वल टू मनकर एक्स इक्वल टू 1.19 रेकरिंग सो ये कौन करवा दशमिक पर प्रश्न पचार दशमिक पर रेकरिंग संख्यार पूर्व पर्यंत केतोटी संख्या अच्छे ताले गोटे संख्या अच्छी एक रे गोटे शून दे गुणीबा तो 10x है 11.9 रेकरिंग आपको वन देदे पुणी दशमी पर रेकरिंग शेष पर्यंत समुदाय केत संख्या अच्छी ना एक दुई दुईटा अच्छे तो एक रे दुईटा शून दे गुणीबा ये गला 119.9 रेकरिंग ये इक्वेशन टू बर्तमान एट्रु इक्वेशन टू रु वन को फेरदे अतए 100x माइनस 10x इक्वल टू 119.9 रेकरिंग माइनस 1.19 रेकरिंग तो ये कटिगले आम पाइबा के 90x इक्वल टू तो 119 माइनस एक है सरी ये 10x को है 11.9 रेकरिंग तो इक्वेशन वन 11.9 रेकरिंग तो फेड़ीदे ये बर्तमान 9 रेकरिंग कटिगला 119 माइनस 11 ये होगा के 801 सो 108 होगा तो बर्तमान फेरदे देख 8 1 9 1 हाँ ठीक अच्छे सो दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू तो ये होगा 108 विभक्त 90 ताले 9 आम काटिदार 9 काटिदे 10 9 काटिदे 9 × 9 = 9 1 = 18 9 × 18 तो ये है 12/10 इज इक्वल टू 1.2 देख पाने ये प्रथम टीर आम परिमेय रूप पाईगले 1.19 अर्थात अतए 1.19 रेकरिंग इक्वल टू 1.2 ये गोटे पाइले देख पाने प्रथम 1.19 रेकरिंग मान बाहर करदे इट इज 1.2 आ गोटे 1.79 करवा 1.79 नाइन उपर रेकरिंग मनकर वाई इज इक्वल टू एति सो दैट इम्प्लाइज एटी कहवा से भाया ताले दशमिक पर रेकरिंग पूर्व पर्यंत केतोट संख्या अच्छी ना रेकरिंग संख्या है 9 9 पूर्व पर्यंत गोटे संख्या अच्छे 7 तेणु एक गोटे शून दे गुणीबा 10y = 17.9 रेकरिंग
ସେଇଭଳି ଆମେ କରିବା ଦଶମୀ ପରେ ରେକରିଂର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ନା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତେଣୁ ଏକରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦୁଇ ଗୁଣିବା ତ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ତିନି ଦେଇଦିଅ ଏଇଟାକୁ ତ ଏଇଠି ଦେଇଦିଅ ଇଏ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ୱାଇ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 179.9 ରେକରିଂ ଇଏ ହେଲା ଚାରି ଦେଇଦିଅ ତାହେଲେ ଚାରିରୁ ତିନିକୁ ଫେରିଦେବା ତାହେଲେ ଅତଏବ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ୱାଇ ମାଇନସ୍ 10Y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 179.9 ରେକରିଂ ମାଇନସ୍ 17.9 ରେକରିଂ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ୱାଇରୁ 10Y ଗଲେ 90Y 90Y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା ନା ଇଏ ନାଇନ୍ ରେକରିଂ କଟିଗଲା 179 ମାଇନସ୍ 17 ତାହେଲେ ଫେରିଦେଲେ 9ରୁ 7 ଗଲେ 2 9ରୁ 7 ଗଲେ 2 7ରୁ 1 ଗଲେ 7ରୁ 1 ଗଲେ 6 ଇଏ ରହିଲା 1 ସୋ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା 162/90 ତ 9ରେ କାଟିଦେଲେ 10 9ରେ କାଟିଦେଲେ 9 7 72 9 8 72 ତ ଇଏ ହେଲା 18/10 ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1.8 ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 1.8 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ 1 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 1.79 ରେକରିଂ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1.8 ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବାହାର କଲେ ଏଇ ଦୁଇଟାର ମାନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ପ୍ରଥମେ 1.19 ରେକରିଂ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/1.2 ପାଇଲେ ତା'ର 1.79 ରେକରିଂର ମାନ ପାଇଲେ 1.8 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ସରଳ କରିବାକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଥିଲା ଏ ମୂଲ୍ୟ ଆଗ ତା'ର ପରିମେୟ ରୂପ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆର ପରିମେୟ ରୂପ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ପରିମେୟ ରୂପ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା ପ୍ରଧାନ ଯାହା ଦେଇଛି ଆମେ ଲେଖିବା 1.19 ରେକରିଂର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ 1.19 ରେକରିଂ ଇଣ୍ଟୁ 1.79 ରେକରିଂ ପ୍ଲସ୍ 1.79 ରେକରିଂ ର ସ୍କୋୟାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ତା'ର ମାନ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା ନା 1.19 ହେଲା 1.2 ର ସ୍କୋୟାର 2 ଇଣ୍ଟୁ ଇଏ ହେଲା 1.2 ଇଏ ହେଲା 1.8 ଇଏ ହେଲା 1.8 ର ସ୍କୋୟାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ସେ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ସେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହେଲା ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2AB ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ଇଏ ହେଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥାତ୍ 1.2 ପ୍ଲସ୍ 1.8ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ତ ପିଲାମାନେ 1.2 ଆଉ 1.8କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ 1.2 ଏବଂ 1.8କୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା 8 ଦୁନିଆ 10ରୁ 0 ହେଲା 1, 1, 2, 1, 3 ଇଏ ହେଇଗଲା 3 ସୋ 3ର ସ୍କୋୟାର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ତ ଇଏ ହେଲା ଆନ୍ସର୍ 9 ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ଏଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ଯଦି 1.2ରେ 1.8 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା 3 ତ କାହାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଗ ଦେଇଛୁ ବର୍ଗ ବାହାର କରିଦେଲେ ତ ଇଏ ହେଲା ତା'ର ସମାଧାନ ଇଏ ଏଇ ଅଙ୍କ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତୁମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଜାଣିପାରିବ ତାହେଲେ ଅଙ୍କକୁ ଆରାମରେ କରିଦେଇପାରିବ ସୋ ଇଏ ହେଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ପରିମେୟ ରୂପ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସରଳ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥିବାରୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ତାହା ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେ ପାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ତୁମେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିକି ତୁମେ ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ରେ ତୁମ କୋର୍ସକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଆମେମାନେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ଏଥିରେ ତେଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ନେଇ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ତୁମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟୁରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେଥିରୁ ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ତ ମାର୍କ ତୁମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ନୂତନ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।